नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक शेरा और आप जुड़ चुके हैं मेरे फेसबुक लाइव से। तो पिछले काफ़ी समय से लगातार मैं आपको हर लामड़ा प्रकरण को लेकर, जो यहां पर मामला चल रहा है उसको लेकर लाइव तस्वीरें लगातार दिखाता रहा हूं। आज उस धरने को 160 दिन हो चुके हैं और आज देखिए उस धरने पर जो लोगों के साथ अन्याय हुआ है, उनके घरों के बच्चे महिलाएँ भी यहाँ पर मौजूद हैं। और पूरा मामला मैं आपको बता दूं कि आज से करीब 6 माह पूर्व लामड़ा गांव में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के जो घर थे उनको प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा ध्वस्त करवाया गया था। और उसके विरोध में पिछले 5 महीने से यहां पर जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति एकता मंच है उसके बैनर तले यहाँ पर धरना दिया जा रहा है। यहाँ पर अब आज इस पूरे धरने को लेकर आज मैं आपको खबर दिखा रहा हूँ, इसको लेकर कोई अलग कारण ये है, आज बताने का जो उद्देश्य वो ये है कि आज इन लोगों के लिए शायद अच्छा दिन होगा, क्योंकि इन लोगों के लिए 5 बीघा सरकारी ज़मीन आवंटित हो चुकी है, 18 लोगों को पट्टे भी बन चुके हैं। अब इन लोगों का कहना है कि जब तक हमारे हाथ में दस्तावेज आज पहुंच जाएंगे तो आज हमारा धरना समाप्त हो सकता है। जिला कलेक्टर एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने आज लामड़ा गाँव में जाकर पूरा जायजा भी लिया था। और इसके अलावा यहाँ के जो धरने पर बैठे हैं लोग काफ़ी दिनों से, 160 दिन से, यकीन मानिए 160 दिन कितनी बड़ी एक संख्या होती है, 160 यानी करीब 6 महीने तक लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। अब हम आपको कुछ बताने की कोशिश भी करेंगे। अभी जो लक्ष्मण जी हमारे साथ है, इनसे बात करते हैं। लक्ष्मण जी, 160 दिन आज हो गए हैं और आज जिला कलेक्टर और बाद में जिला परिषद के सीईओ वगैरह आज लामड़ा गांव भी गए थे, तो क्या वार्ता हुई है, आखिरी समझाइश हुई है, क्या चल रहा है? जिला कलेक्टर ने जब मौके पर देखा तो उन्होंने ये कहा कि इन भील आदिवासियों के साथ में बकायदा भेदभाव हुआ है, जो जरूरत नहीं थी वैसा तहसीलदार ने गलत काम किया है, ये बात माना है। और सरकार द्वारा आवंटित 5 बीघा भूमि पर मौके पर भी पहुंचे और मौके पर पहुंच करके उन्होंने एक्शन पीएचडी वाटरपक्ष को और एक्शन बिजली विभाग को बुला करके ये कहा है कि इन भील आदिवासियों के लिए पीने के पानी के लिए ट्यूबवेल खोदा जाए और ट्यूबवेल खोदने के लिए पीएचडी के एक्शन को निर्देश दिए। और साथ में उन्होंने एक्शन हमारे जो थे बिजली विभाग के उनको ये कहा कि यहाँ से बिजली की लाइन कितने किलोमीटर है, ये 4 किलोमीटर लगेगी, तो 4 किलोमीटर का एस्टिमेट बना के दीजिए और ये लाइन आपको खींचनी है, ये कहा है। साथ में आज आएंगे कलेक्टर साहब से बात क्या हुई, आखिर में क्या बात? अभी कलेक्टर साहब यहाँ आएंगे और इन सब लोग विस्थापित भील आदिवासियों को आबादी में जो इनको आबादी आवंटित हुई उसके भूखंड के पट्टे देंगे विस्थापित भील आदिवासियों को। पट्टे देने के बाद में ट्यूबवेल का और बिजली के कनेक्शन जारी करने के वो आदेश भी देंगे, ट्यूबवेल खोदने का जो आदेश देंगे उसकी एक कॉपी हमको देंगे, ठीक है। और बाद में निजी जो लाभ है प्रधानमंत्री आवास योजनाओं का, निजी टांकों का, शौचालयों का और ये सब जो साधन है वो सारे उपलब्ध करवाए जाएंगे जी। अब मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाता हूँ, ऐसे आदमी से मिलाता हूँ, मैं जब से इनको देखता हूँ तो इन्होंने जिस मुद्दे को लेकर या इनकी टीम ने जिस मुद्दे को लेकर धरना शुरू किया है आखिर तक इनका धरना जारी रहता है और ये न्याय लेकर ही रहते हैं, ऐसी शख्सियत है उदाराम मेघवाल। उदाराम जी, काफ़ी संघर्ष किया और आखिर में लगभग जीत मान रहे हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, जो बिना कोई लाल लपेट, बिना कोई राजनीति किए हुए जो वर्ग अपने ऊपर होने वाले जुल्म भेदभाव के खिलाफ में हमारा जो SC ST का संगठन है, SC ST एकता मंच, सभी लोग एक बैनर नीचे आकर के हम लोग हमेशा गरीब पीड़ित की मदद करते हैं। लामड़ा का प्रकरण उसी लिहाज से देखा जाए तो ये प्रशासन से लेकर के आपके सामने कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर से लेकर के कलेक्टर से लेकर के मंत्री के सामने से लेकर के और सरकारी जो कागज, उन जो कार्मिक जिन्होंने इस प्रकार का भेदभाव किया उनको जो कागज दिए गए हैं नोटिस, उसमें भी बिल्कुल भेदभाव शब्द यूज हुआ है और उन्होंने पक्षपात का कलेक्टर ने देते हुए उनके एग्रीमेंट वगैरह रोके। ऐसी स्थिति में हमारी कलेक्टर साहब से कल वार्ता हुई थी, जमीन अलॉट कर दी गई है, प्लाट विधिवत रूप से काटे गए हैं, पट्टे भी तैयार हैं और देने के लिए कलेक्टर साहब आज
का हमने समय तय किया था 5 बजे का, और उसके बाद में बिजली की और पानी की जैसे हमारे संयोजक ने आपको बताया उस तरह से बात हुई हुई है। अब कलेक्टर साहब आज पूरे जो अधिकारी अभी हमारे संयोजक ने आपको बता ही दिया, पूरे विभाग के सभी अधिकारी जो जो उस डेवलप में जिस विभाग का क्या क्या दायित्व है उनको भी मौके पर बुलाया गया। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने आज से पूर्व और आज तक जो आंदोलन किए उसको किसी भी अधिकारी को किसी राजनेता को ओवलाइज करने का काम नहीं किया। हमने समाज का हित और स्वाभिमान और न्याय इन तीन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ईमानदारी से हमेशा संघर्ष किया है। ऐसे में हमारे सारे जो वरिष्ठ जन या हमारे जिले के उप जिला प्रमुख से लेकर के पूर्व रिटायर SI से लेकर के नायब तहसीलदार तहसीलदार लेवल के सारे लोग जो हमारे पास में साथ में हमेशा रहे और आगे भी हमें हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारा यही है लक्ष्य कि हमें बाबा साहब B.R. अम्बेडकर के बताए हुए संघर्ष के रास्ते और स्वाभिमान के रास्ते पर चल करके हम लोगों को जो भी हमारा अहित होता है उसमें न्याय लिए बगैर बिना कोई आश्वासन पर हम भरोसा नहीं करते हैं। हम जो काम मौके पर और उसमें हम करीब करीब 80% हमारा वहाँ काम पूरा हो गया है, और बाकी जो दो चीज़ें कलेक्टर साहब ने कल हमें हाँ की थी, तो अभी कलेक्टर साहब आते हैं, अगर कलेक्टर साहब उस बात पे कायम रहते हैं तो ये धरना आज उठ सकता है। बिल्कुल शुक्रिया। देखिए उदाराम जी ने बताया, हेलो 2 मिनट रुका हूँ, आदम जी को अब कुछ पीड़ित लोगों से भी बात करते हैं। एक ऐसे बाबा हमारे साथ हैं, काफी समय से यहाँ बैठे हैं। हाँ जी, बा की नाम है? सखीराम। कितना समय हुए बैठे अंदाने? 5 महीने 10 दिन रोज बे हो जी। आज जिस प्रकार दोनों आज को कई स्वीकृति मिली है, जमीन बीजी मिली है, तो खुश हो जी? न्याय मिली है, मतलब कुल मिला जी? ठीक है। अब कुछ महिलाओं से बात करेंगे हम, यहाँ कुछ पीड़ित महिलाएं हैं, इन लोगों से भी बात करेंगे, जानेंगे कि क्या। भाई बोल रहे हो, की नाम है? चार 5 महीना हुआ एक बैठा ना, देखता ना कोई तो कोई सभी तो। हमें थोड़ा जमीन अलॉटमेंट हुई है कि खुश हो की कर है? हमें थोड़ा जमीन पट्टा भी जाए अलॉटमेंट हो गया है। हाँ ठीक है, बढ़िया हुआ। हाँ बढ़िया, खुश हुआ, धन्यवाद थाना। ठीक है, ये महिलाएं और ये पूरा पीड़ित परिवार पिछले 6 महीने से यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, तो आखिर इन लोगों के लिए जो उम्मीद जगी है वो इनके लिए कहीं ना कहीं सब लोगों के लिए फायदेमंद होगी। बहुत शुक्रिया, सभी साथी एक बार इस खबर को शेयर कर दें, और उम्मीद है कि इन लोगों को न्याय मिले, और ये लोग जो पिछले 6 महीने से परेशान होकर बैठे हैं आखिर इनको न्याय मिलना जरूरी है। एक बार शेयर जरूर कर दें, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हाँ बोल।